आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्रीन कलर के हेयर को हम ब्लैक कलर कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का हेयर है और यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कर दिया हूँ। तो चलिए स्ट्रीक को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक फ़ोटो है जो कि यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का है। अब हम इस फोटो में इस हेयर कलर को ब्लैक करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाना है। अगर आपके यहाँ पर लेयर पैनल ओपन नहीं है तो विंडो में जाएंगे और यहाँ पर लेयर पैनल को एक्टिव कर देंगे तो यहाँ पे आपका लेयर पैनल खुल जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर पर जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर ह्यू सेचुरेशन पर जाना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एडिट आपको यहाँ पर मास्टर रखना है, सेचुरेशन आपको बिल्कुल माइनस पर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ब्लैक हो चुका है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्टिव कलर पे चले जाना है, उसके बाद कलर रेंज पे जाना है और यहाँ पे आपको इस पेंसिल को यहाँ पे इस कलर पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से सिंपल राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फीदर पे जाना है। फीदर पे जाने के बाद 2% कर देना है और उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे। उसके बाद व्यू सैचुरेशन पे चले जाना है और यहाँ पे मास्टर पे क्लिक कर देना है। और मास्टर पे क्लिक रखने के बाद सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद यहाँ से सिंपल आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्टिव कलर पे चले जाना है। सिलेक्टिव कलर लेने के बाद आपको ब्लैक में चले जाना है। ब्लैक को यहाँ पे इस तरीके से आपका ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो इसके पहले आपको यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करके इसका हेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाना है और सिलेक्टिव कलर पे जाने के बाद सिंपल यहाँ से आपको कलर को ब्लैक चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ से 77 कर देना है, या तो हाँ आप 77 कर दें या आप 60 पे कर दें। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल पे चले जाएं आप। नेचुरल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपल 15 या 16 कर देना है। 15-16 करने के बाद आप इसको ऊपर को 0 ही रखें, ब्लैक वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा यहाँ पे 15-16 पे कर दें। तो इतना कर देने के बाद सिंपल यहाँ से फिर आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट लेयर पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से ब्राइटनेस थोड़ा सा दे देना है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दे देना है। और ये हो जाने के बाद सिंपल आपको यहाँ से लेवल ले लेना है। इसको यहाँ से फिर से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ से आपको लेवल पे चले जाना है और लेवल में आपको इस तरीके से लेवल आपको बढ़ा के देख लेना है कि किधर से आपका ये कलर ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कलर को ब्लैक कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो जैसे कि आपने देख सकते हो कि पहले यहाँ पे हमारा फ़ोटो ये था और अभी ये हो गया। तो इस तरीके से आप फोटो का किसी भी पार्ट का कलर को चेंज कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।